हेलो स्टूडेंट, आई एम शाइन मिस। टुडे वी आर लर्न शाम्स हॉर्स कार्ट। लुक लिसन एंड रीड अलाउड। शाम स्टार्टेड इन हिज हॉर्स कार्ट टू गो टू द फेयर। ऑन द वे मधु एंड मीरा सेट, कैन वी कम? ओ यस, सेट श्याम। इस लेसन में शाम की हॉर्स कार्ट के बारे में बताया गया है, घोड़े गाड़ी के बारे में बताया गया, जिसमें शाम जो है वो अपनी घोड़ा गाड़ी स्टार्ट करता है कहाँ जाने के लिए, फेयर में। फेयर मतलब मेले में जाने के लिए। ऑन द वे मतलब रास्ते में मधु एंड मीरा सेट, रास्ते में उसको कौन मिलते हैं, दो लड़कियाँ मिलती हैं जिनका नाम है मधु और मीरा। वो दोनों क्या बोलते हैं, कैन वी कम, क्या हम तुम्हारे साथ आ सकते हैं? ओ यस, सैड श्याम। श्याम क्या कहता है, ज़रूर। द डॉग सॉ देम, ही आस्क्स कैन आई कम? ओ यस, सैड श्याम। अब फिर रास्ते में लोगों को कौन मिलता है, डॉग मिलता है, जो क्या पूछता है, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? श्याम उसको क्या आंसर देता है, ओ यस, हाँ ज़रूर तुम हमारे साथ आ सकते हो। दे वेर गोइंग थ्रू द फील्ड। अब वो लोग कहाँ जा रहे थे, एक खेत के पास से जा रहे थे। फील्ड का मतलब होता है खेत। द पीकॉक सॉ देम एंड आस्क्स कैन आई कम टू द फेयर। अब पीकॉक ने भी क्या किया, उन लोगों को देखा और उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ मेले में आ सकता हूँ? ओ यस, सैड श्याम। सैड श्याम ने फिर वही आंसर दिया कि हाँ तुम हमारे साथ आ सकते हो। अब गाड़ी में कौन कौन बैठ गया था, हॉर्स कार्ट में, श्याम, मधु, मीरा एंड डॉग एंड पीकॉक। व्हेन दे वेयर क्रॉसिंग द रिवर, द फ्रॉग आस्क्ड कैन आई कम टू द फेयर। जब वो लोग रिवर क्रॉस कर रहे थे, नदी क्रॉस कर रहे थे, तो उनको कौन मिला, फ्रॉग मिला। फ्रॉग मतलब मेंढक। और उसने भी वही क्वेश्चन किया कि मैं मेले में तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? ओ यस, सैड ऑल ऑफ देम। अब यहाँ पर सब ने एक साथ होकर जवाब दिए कि हाँ तुम हमारे साथ आ सकते हो। श्याम सैड कम एंड सिट नियर मी। श्याम ने क्या कहा, तुम जो है मेरे पास आकर बैठ जाओ। दे सॉ द फेयर फ्रॉम अ डिस्टेंस, द पीकॉक वॉज सो हैप्पी। अब लोगों ने थोड़ी दूर से ही क्या देख लिया, फेयर को देख लिया, मेले को देख लिया, और जिसमें पीकॉक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और जब पीकॉक खुश होता है तो क्या करता है, आगे देखेंगे। इट स्प्रेड इट्स फेदर एंड स्टार्टेड डांसिंग। वो अपना फेदर जो है वो फैलाता है और डांस करने लगता है। बट वन फेदर टच्ड द डॉग्स ईयर। अब उसमें से क्या हुआ, जब मोर ने पंख अपने फैलाए और डांस करने लगा, तो एक फैदर जो है उसका जाकर डॉग के कान में टच हो गया। ही स्प्रैंग अप एंड बार्क लाउडली। और जैसे ही उसके कान को टच हुआ, तो जिस तरह हमारे कान में अगर फर डालेगी तो कैसी गुदगुदी होती है, उस तरह से उसके कान में गुदगुदाने लगा, जिसकी वजह से वो उछल पड़ा। ही स्प्रैंग अप मतलब उछल पड़ा और ज़ोर से चिल्लाने लगा, बार्क करने लगा। मधु वॉज फ्राइटेन, मीरा फेल ऑन द फ्रॉग। अब मधु जो क्या कि जब डॉग बाक करने लगा तो मधु डर गई, और मीरा भी जो है वो किस पर गिर गई, फ्रॉग पर गिर गई। द फ्रॉग फेल ऑन द हॉर्स। अब फ्रॉग जो है वहाँ से जम करके कहाँ वो पहुँच गया, हॉर्स के पीठ पर गिर गया। द हॉर्स वॉज सो फ्राइटेन डैट ही रन हेल्टर शेल्टर। अब हॉर्स क्या हो गया, वो डर गया, और वो ही रन हेल्टर शेल्टर। डॉग जो है वो कैसा करने लगा, हेल्टर एंड शेल्टर का मतलब होता है कि कंफ्यूज होना, वो जो है हक्का बक्का हो गया, कंफ्यूज हो गया, बौखला गया। शाम फेल ऑफ। अब शाम जो है वो कार्ट से, जब घोड़ा उछलने लगा तो शाम क्या हो गया, कार्ट से गिर गया। देन मधु एंड मीरा ऑल्सो फेल ऑफ। अब उसके बाद मधु और मीरा भी नीचे गिर गए। वन बाय वन ऑल ऑफ देम फेल ऑफ। अभी क्या हुआ, सबसे पहले कौन गिरा, शाम गिरा, उसके बाद मधु और मीरा गिर गए, और इस एक के बाद एक इस तरह सब गिर गए।
The horse kept running and stopped. Horse क्या करने लगा? भागते हुए वो stopped हो गया, रुक गया. When it reached near the fair, जब वो fair के पास पहुंचा तो वहां पर वो रुक गया. श्याम, मधु, मीरा, the dog, the peacock and the frog were all petting when they reach. अब क्या हो गया? जब श्याम, मधु, मीरा, हॉर्स, पीकॉक और मेंढक ये सारे जब भागकर वहां पहुंचे तो वो क्या हो गए थे? पेंटिंग का मतलब क्या होता है? हांफना. जब वो लोग वहां पर भागकर आए तो वो लोग क्या करने लगे? हांफने लगे जब वहां पहुंचे तो. टिल देन द हॉर्स बिकेम क्वाइट एंड रिलैक्स. जब तक क्या हो गया था? हॉर्स जो है वो खामोश हो गया था, शांत हो गया था और रिलैक्स हो गया था. इन द इवनिंग दे रिटर्न हैप्पीली इन द हॉर्स कार्ट. आखिरकार जब वो मेले से इंजॉय करके वो लोग जब घर लौट रहे थे तो वो क्या थे? बहुत खुश थे हॉर्स कार्ट के अंदर.